तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस फिर से एक गजब के वीडियो के साथ। तो गाइस आप देख सकते हो हमारे पास है यहाँ पे अर्थ ईगल और इधर है गाइस 25 गजब के बेब्लेड फ्यूजन मास्टर्स फ्यूरी सब कुछ है गाइस यहाँ पे। तो यस गाइस देखेंगे आज ईगल को कि इसमें से कितने बेस को हरा पाता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस 13 बेस को तो हरा ही देना चाहिए। बाकी आप लोग बताना आपको क्या लगता है। और गाइस ये बैटल वीडियो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो गाइस आपका क्या फर्ज बनता है? आपका फर्ज बनता है कि आप ऐसे अमेजिंग चैनल को करो सब्सक्राइब, तभी तो गाइस ऐसे अमेजिंग वीडियोस डेली आ पाएंगे। तो यस गाइस कर देना। अब मैं क्या करता हूं, फटाक से लाते हैं स्टेडियम और स्टार्ट करते हैं बैटल। तो हाय गाइस, स्टेडियम हो गया है सेटअप, 25 बेब्लेड पड़े हुए हैं इधर और हम तैयार हैं बैटल के लिए। देखते हैं गाइस अर्थिकल कितने जीतेगा। मुझे लगता है 13 तो कम से कम जीतने चाहिए, और जीत गया तो आपको लिखना पड़ेगा अर्थिकल ओपी इन द चैट और करना पड़ेगा इस चैनल को सब्सक्राइब। वैसे सब्सक्राइब तो ऐसे ही कर दो क्योंकि यार इतने अमेजिंग वीडियोस लाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हो अच्छा नहीं लगता है। कोई नहीं गाइस, अब आते हैं बैटल पे। पहला बैटल प्री हैबिट पैकेजेस से स्टार्ट करते हैं गाइस। ये क्या गाइस अर्थिकल, अब बारी है गाइस प्री हैबिट पैकेजेस की और काफी अच्छा अटैक, लेकिन ईगल थोड़ा भारी लग रहा है इस वजह से प्री हैबिट पैकेजेस को यहां हो रही थोड़ी सी तकलीफ। तो देखते हैं गाइस कैसा होता है ये बैटल। लगता है ये विन मिल जाएगा ईगल को गाइस, काफी अच्छा परफॉर्मेंस ईगल के द्वारा। तो जीत की शुरुआत कर दी है गाइस ईगल ने, विजय घोष बजा दिया है ईगल ने गाइस पहले मैच में। अगला बैटल गाइस स्टॉर्म पैकेजेस। तो ये क्या गाइस ईगल, बारी है स्टॉर्म की और यही खराबी होती है जब हैवी बेब्लेड के अगेंस्ट जाता है गाइस कोई बेब्लेड तो अपना वो पैटर्न खराब कर लेता है, क्योंकि जब इंपैक्ट करता है उस बेब्लेड को धक्का देने की कोशिश करता है और धक्का नहीं दे पाता तो उसका खुद का रास्ता बिगड़ जाता है। तो यही दिक्कत है गाइस, यही दिक्कत है। और लगता है दूसरा मैच भी यहाँ पे मिलता हुआ गाइस ईगल को, काफी अच्छी बात है, गजब की बात है, बहुत बढ़िया ईगल बहुत बढ़िया। अब गाइस नेक्स्ट गैलेक्सी पैगेसस, पैगेसस पे पैगेसस यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये क्या गाइस ईगल, बारी है गैलेक्सी पैगेसस की तो गाइस लग रहा है गैलेक्सी पैगेसस के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो गई है। तो ये मैच भी ऐसा फीलिंग आ रहा है ईगल जीत जाएगा। इवन गैलेक्सी पैगेसस अटैक भी कर लेता तो ईगल इतना हैवी है कि उसको पुश कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस, इतना आसान है नहीं जितना दिखता है। तो अभी भी ईगल का काफी अच्छा तगड़ा परफॉर्मेंस चल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ईगल के द्वारा गाइस। नेक्स्ट बेब्लेड गाइस कॉस्मिक पैगेसस। तो यस गाइस ये चौथा पैगेसस भी आ गया अपने पास, देखते हैं ये ईगल को हरा पाएगा कि नहीं। इससे काफी उम्मीद है क्योंकि ये भारी भी बहुत है और पावर भी इसका अच्छा है और शायद FD एक्टिवेट हो गया गाइस, काफी अच्छे अटैक्स, लेकिन ईगल टिका हुआ है और FD एक्टिवेट हो गया है लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ईगल बैठा गाइस, साड़ा ईगल सेंटर में बैठ गया जाके। तो देखते हैं कि क्या कर पाएगा कॉस्मिक पेगासस। और लगता है कॉस्मिक पेगासस को करना पड़ेगा यहाँ पे हार का सामना। तो गाइस एक और विन ईगल को, काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट बेब्लेड गाइस ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर का कस्टम कॉम्बो मेटल फेस और DF-145BS के साथ, ये कुछ गजब का होने वाला है। ये क्या ईगल, बारी है डिस्ट्रॉयर की, काफी अच्छा रिकॉयल। चलो गाइस देखते हैं क्या होता है। काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है गाइस यहाँ पे ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर, लग रहा है ईगल को तगड़ी टक्कर देगा और ये कस्टम कॉम्बो काफी सही लग रहा है मुझे अभी तक। और गाइस इस बीच मेरा गला खराब चल रहा है तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। और ऐसा लग रहा है गाइस कुछ भी हो सकता है इस मैच में, लेकिन ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर का आप थोड़ा बैलेंस बिगड़ रहा है, ईगल भी काफी स्लो है तो ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उम्मीद नहीं थी मुझे इतनी तगड़ी टक्कर देगा, बस वही है बैलेंस बिगड़ रहा है ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर का, वो चीज थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। और ईगल है भी खतरनाक बे, नॉर्मल बे है नहीं कि उससे ऐसे जीत जाओ आसानी से। यस गाइस ईगल जीतता है एक और मैच। नेक्स्ट बेब्लेड गाइस वल्कन हरुशियस से बैटल करेंगे। तो गाइस देखते हैं वल्कन हरुशियस को हरा पाएगा कि नहीं। ये गया हरुशियस, अब भाई है ईगल की, और गाइस दोनों बेब्लेड जा रहे हैं हेड टू हेड, अभी 5 बैटल जीत चुका है गाइस ईगल।
काफी अच्छा परफॉर्मेंस, और ऐसा लग रहा है हरुशियस का स्टैमिना खत्म होता हुआ गाइस धीरे से। तो गाइस ईगल जीत गया एक और मैच, क्या बात है क्या बात है। अब गाइस अगला बैटल करेंगे प्री हैबिट एक्वेरियो के साथ, ये काफी अच्छा बे है, देखते हैं ईगल को हरा पाएगा कि नहीं। अभी तक एक भी लॉस नहीं हुआ गाइस ईगल का, ये गजब की बात है। गाइस काफी तगड़े अटैक्स कर रहा है, लेकिन चूंकि क्या है ना ईगल का वेट ज्यादा है, इस वजह से ईगल काफी ज्यादा खतरनाक यहाँ परफॉर्म करता हुआ। देखते हैं गाइस क्या होता है, और लग नहीं रहा है कि प्री हैबिट एक्वेरियो जीत पाएगा, बट अटैक अच्छा किया था तो परफॉर्मेंस के लिए पूरे पॉइंट मिलेंगे प्री हैबिट एक्वेरियो को। और ये बेबलेट बहुत गजब का है गाइस, फ्यूजन बेबलेट्स के अगेंस्ट बहुत तगड़ा परफॉर्म करता है। तो एक और विन ईगल को, ईगल भाई बहुत स्ट्रांग है। तो गाइस नेक्स्ट बेबलेट रॉक लियोन्स ट्राई करते हैं, देखते हैं इसको ईगल को हरा पाएगा कि नहीं। दोनों ही पर्पल कलर के हैं गाइस, लेकिन हमारा सब्सक्राइब बटन तो लाल है ना, तो उसको दबाओ तो ग्रे होगा, पर्पल नहीं होता यार, ग्रे ही होगा, तो हाँ दबा देना गाइस। अभी फिलहाल ये बैटल देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो गाइस दोनों ही बेबलेट बिना कांटेक्ट के चले जा रहे हैं, यही दिक्कत होती है दो डिफेंस टाइप के बीच के बैटल की। अब आज गाइस देखना है कि रॉक लियोन कितना स्ट्रांग है ईगल के कंपैरिजन में, क्योंकि रॉक लियोन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर स्ट्रांग की बात होती है तो ईगल तो टॉप टीयर आता है भाई। देखते हैं गाइस क्या होता है इस बैटल में, रॉक लियोन कैसी टक्कर देता है ईगल को ही देखना। ईगल को स्लो थोड़ा सा किया रॉक लियोन ने, लेकिन रॉक लियोन भी काफी ज्यादा स्लो हुआ है यहाँ पे। दोनों ही टीम के पास डिसेंट स्टैमिना है, बट WD का स्टैमिना थोड़ा ज्यादा है, तो ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पे। देखते हैं गाइस क्या रॉक लियोन ईगल को हरा पाएगा या ईगल हराएगा रॉक लियोन को, देखते हैं। तो गाइस थोड़े से डिफरेंस ईगल जीता, मतलब रॉक लियोन बहुत पावरफुल है, फिर भी हार गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बे गाइस रॉक जुराफा से करते हैं। तो गाइस ये गया ईगल, अब बारी है जुराफा की, और ये भी काफी हद तक सिमिलर बैटल ही होने वाला है, क्योंकि जुराफा भी काफी हद तक ईगल सॉरी लियोन जैसा ही परफॉर्म करता है, तो अच्छी टक्कर देगा ईगल को, लेकिन देखने लायक होगा मैच, देखते हैं गाइस। और जुराफा का वेट थोड़ा सा लियोन से अच्छा है, तो वो चीज है यहां पे। और ईगल की भी स्पीड गाइस थोड़ी सी कम होती हुई यहां पे जुराफा के साथ साथ, तो काफी अच्छी टक्कर देता हूं यहां पे जुराफा। अगर यहां पे जुराफा गाइस जीत गया तो ये बहुत बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं है मुझे, और जिस हिसाब से जुराफा ने ईगल को स्लो किया है मुझे लग रहा है, बट जीत गया ईगल थोड़े से मार्जिन से, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। गाइस नेक्स्ट वे बर्न पाइसेस, पता नहीं बर्न पैगेसेस बना रखा है मैंने, चलो उसको देखते हैं क्या होता है। ये गया गाइस ईगल, अब बारी है इस बेबेट की। और लगता है गाइस ये ईगल पे अटैक अच्छे कर रहा है, लेकिन इसका स्टैमिना खत्म होने वाला है, लेकिन ईगल के डिफेंसेस अभी भी मजबूत है एकदम। तो यस गाइस एक और मैच यहां पे मिलता हुआ ईगल को, क्या बात है, अभी तक एक भी मैच नहीं आ रहा, गजब की बात है। अब गाइस अब ट्राई करते हैं क्लाउड जेमियोस, हम सबका फेवरेट, क्योंकि इसको बनाते हैं हमेशा बकरा। ये गया ईगल, अब बारी है जेमियोस की। गाइस मुझे लग रहा है ईगल आसानी से तेरा मैच जीत जाएगा, अगर 25 जीत गया तो भैया मैं तो पागल हो जाऊंगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड तो नहीं, क्योंकि फ्यूरी बेस भी हमने यूज कर रहे हैं इसमें आज की बेबलेड मैराथन में। तो यस गाइस एक और विन काफी अच्छी बात है। अगला भी गाइस थर्मल लेसर्टा ट्राई करते हैं मेटल फेस के साथ, देखते हैं ये हरा पाएगा ईगल को कि नहीं। ये गया ईगल, ये गया लेसर्टा गाइस। और लसर्टा का पैटर्न हो गया खराब, जो कि एक्सपेक्टेड था, खैर कोई नहीं, देखते गाइस क्या होता है इधर पे।
क्योंकि लेसरटा के पास भी ठीक ठाक स्टेमिना है। देखते हैं गाइस क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि लेसरटा ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, एक्सपेक्टेड नहीं था ईगल को इतना स्लो कर देगा, बट कर दिया है, लेकिन काफी अपना स्टेमिना खो दिया। तो लेसरटा हार गया, ईगल जीत गया एक और मैच, काफी अच्छी बात है गाइस। अगला बैटल गाइस करेंगे सोल ब्लेज के अगेंस्ट, SFTP यूज कर रहे हैं। चलो देखते हैं गाइस सोल ब्लेज क्या करेगा। ये गया ईगल, अब बारी है सोल ब्लेज की। काफी अच्छा अटैक कर रहा है गाइस सोल ब्लेज, लेकिन बात बन नहीं रही यहाँ पे। और गाइस देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, काफी अच्छा परफॉर्मेंस सोल ब्लेज का, हो सकता है अर्थीगल को स्लो कर देगा, काफी स्लो कर दिया है यहाँ पे अर्थीगल को गाइस सोल ब्लेज ने। और देखते हैं गाइस क्या होता है, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था गाइस सोल ब्लेज इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, बट काफी अच्छा किया है। देखते हैं ईगल को हरा पाएगा कि नहीं, क्योंकि चांसेस कम लग रहे हैं। और गाइस फाइनली अर्थ ईगल एक और मैच जीत गया है, अर्थ ईगल की विनिंग स्ट्रीक चल रही है गाइस। तो गाइस अब बैटल करेंगे लाइटनिंग एल ड्रैगो से, और लाइटनिंग एल ड्रैगो में गाइस हम मीटियो का स्पिन ट्रैक और टिप यूज कर रहे हैं। तो गाइस देखते हैं कैसा करता है। ये गया अर्थ ईगल, अब बारी है गाइस लाइटनिंग एल ड्रैगो की, और मुझे काफी उम्मीदें हैं इस कॉम्बो से गाइस, क्योंकि काफी अच्छा परफॉर्म करता है ये कॉम्बो। तो देखते हैं गाइस क्या होगा, क्या होता है गाइस इस मैच में। काफी अच्छा परफॉर्मेंस गाइस, काफी अच्छा परफॉर्मेंस, और मुझको ऐसा लगता है इस बार जीत सकता है एल ड्रैगो स्पिन स्टील से। देखते हैं गाइस क्या जीत पाएगा, यही है रियल क्वेश्चन, और लगता तो है, लेकिन फिर भी ईगल अपना गाइस जीत गया हमेशा की तरह मीटियो एल ड्रैगो के साथ, जिसमें लाइटनिंग का फ्यूजन भी लगाया है वेट बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं गाइस ये जीत पाएगा कि नहीं अर्थ ईगल से। यस गाइस पता नहीं इसको मीटियो बोलूं या लाइटनिंग बोलूं, आप लोग बताना। चलो करते हैं बैटल, काफी अच्छा परफॉर्मेंस। और गाइस ये क्या मीटियो या लाइटनिंग, जो भी बोलो, एल ड्रैगो ने नॉकआउट कर दिया ईगल को, पहला लॉस ईगल का गाइस, पहला लॉस। अब गाइस कुछ बेवलेट यहाँ पे बचे हैं, फटाफट बैटल करते हैं। नेक्स्ट पे गाइस हेल हरक्यूलियो, यस गाइस हेल हरक्यूलियो से करते हैं बैटल। ये गया ईगल, अब बारी है हरक्यूलियो की। तो गाइस हेल हरक्यूलियो को हरा दिया ईगल ने, एक्सपेक्टेड नहीं था बट ऐसा हो गया है। अब गाइस किग्नस से करते हैं बैटल। तो ये गया गाइस किग्नस, अब बारी है ईगल की। देखते हैं गाइस दोनों में से कौन जीतने वाला है यहाँ पे, कोई भी जीत सकता है गाइस इधर पे। और दोनों भी एक दूसरे को घूर रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या डिफेंस और डिफेंस की बैटल करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, काफी टाइम टेकिंग लगता है, दो दो मिनट चार चार मिनट बैठ के ताकते रहो दोनों बेस को, ये अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो गाइस ये हो रहा है बैटल अभी फिलहाल, और किग्नस स्लो होता जा रहा है धीरे धीरे। देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या होता है। यस गाइस किग्नस हो गया काफी ज्यादा स्लो, और ये बैटल मुझे लगता है जीत जाएगा गाइस आराम से अपना ईगल। यस गाइस एक और विन ईगल का। तो गाइस अगला बैटल करते हैं अर्थ ईगल वर्सेस अर्थ वर्गो, और ये नॉर्मल वाला वर्गो नहीं है गाइस, ये T125ES वाला वर्गो। तो यस गाइस ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है, और रेयर वाला वर्गो तो बहुत लोग खरीदते हैं, बट वो इतना कुछ गजब परफॉर्म नहीं करता है, पता नहीं, वो डिफेंसिव है काफी ज्यादा, और ये काफी हद तक स्टेमिना पे फोकस करता है, तो इसके जीतने का चांस है यहाँ पे। देखते हैं गाइस अब ये अर्थ ईगल को हरा पाएगा कि नहीं, ये है रियल क्वेश्चन। चलो देखते हैं गाइस ये जीत पाता है या हार जाता है, और अभी तक तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा कर रहा है। देखते हैं गाइस क्या होता है। और अभी तक काफी अच्छा कर रहा है गाइस ईगल स्लो होता हुआ, और ये एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे
कि ईगल स्लो हो जाएगा, और गाइस स्लो हो रहा है ईगल, क्या बात है। अब वर्गो भी स्लो होने लगा है गाइस, देखते हैं पहले कौन रुकेगा, कोई भी रुक सकता है दोनों में से पहले गाइस। और गाइस ये रुक गया ईगल, तो यस गाइस ये वर्गो जीत गया है, एक और लॉस हो गया ईगल का। गजब की बात, क्या परफॉर्मेंस गाइस वर्गो का। अगला बैटल गाइस करेंगे फैंग लियोन के साथ, देखते हैं फैंग लियोन को हरा पाएगा ईगल या नहीं। ये क्या गाइस फैंग लियोन, फैंग लियोन को गाइस रिकॉयल अच्छा है काफी, और डब्ल्यू टू डी टिप की वजह से थोड़ा सा एक अटैक पोटेंशियल भी अच्छा होता है। तो देखते हैं गाइस फैंग लियोन कैसे पुश करता है ईगल को, चलो गाइस देखते हैं। और काफ़ी अच्छा रिकॉयल दे रहा है फैंग लियोन, लेकिन ईगल का कोई भी स्पीड गाइस कम नहीं हुआ अभी तक, बल्कि फैंग लियोन उल्टा बहुत स्लो हो गया है। अब थोड़ा सा ईगल स्लो हुआ है, लेकिन फैंग लियोन का काफ़ी ज़्यादा स्पिन जा चुका है, तो मुझे नहीं लगता गाइस अब फैंग लियोन के जीतने का चांस लग रहा है यहाँ पे। फिर भी देखते गाइस क्या करता है फैंग लियोन इधर पे। तो यस गाइस ईगल बड़ी आसानी से जीत गया ये मैच, काफ़ी गजब की बात है। नेक्स्ट बैटल गाइस करेंगे हम वेरी एरिस के साथ, वेरी एरिस है गाइस अपना अटैक मोड में, तो चलो गाइस देखते हैं क्या वेरी एरिस ईगल को हरा पाएगा या नहीं। ये क्या ईगल, अब बारी है वेरी एरिस की। ओहो गाइस क्या दमदार अटैक्स थे वेरी एरिस के, काफ़ी अच्छे अटैक्स, लेकिन गाइस ईगल को बाहर करने में अभी तक वेरी एरिस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है अटैक्स का। काफ़ी अच्छा कोशिश था स्टार्टिंग में, लेकिन बात नहीं बन पाई, थोड़ा सा और पावर चाहिए था। और इधर वेरी एरिस को इधर रख देते हैं गाइस, वेरी एरिस से भी जीत गया ईगल, क्या बात है। अगला बैटल गाइस डेथ क्वार्ट्ज कोटल से, देखते हैं गाइस इसको ईगल हरा पाएगा कि नहीं। और डेथ क्वार्ट्ज कोटल पे गाइस आरडीएफ नहीं लगी है, डब्ल्यूबी लगी है, क्योंकि हमारे पास आरडीएफ थी नहीं, बट हाँ डब्ल्यू बी लगाने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आया है डेथ क्वार्ट्ज कोटल का। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डेथ क्वार्ट्ज कोटल शायद यहाँ पे जीतेगा, देखते हैं गाइस बाकी क्या होता है इधर पे। और अभी तक तो कोई कॉन्टैक्ट हुआ नहीं है, और कॉन्टैक्ट हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन दोनों के बीच में 2 मिनट 3 मिनट का मैच देखने में, क्योंकि ऑब्वियसली 1 मिनट से ज़्यादा तो बड़े प्यार से चलते हैं ये, अगर कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो 1 मिनट का मैच ही अकेले करा देंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 मिनट भी खींच दें अगर कांटेक्ट ना हो तो। और अभी तक गाइस देखिए स्लो नहीं हो रहे हैं दोनों में से कोई भी, अब ईगल थोड़ा स्लो हुआ है, थोड़ा सा क्वार्ट्ज कोटल स्लो हुआ है, तो गाइस देखते हैं कौन रुकेगा पहले दोनों में से। क्वार्ट्ज कोटल ज़्यादा स्लो ऐसा फील दे रहा है, बट मुझे लगता है क्वार्ट्ज कोटल इतनी आसानी से हारेगा तो नहीं। और दोनों एक दूसरे का स्पिन ड्रेन करते हुए, और गाइस ये हो गया है ड्रॉ, तो क्वार्ट्ज कोटल को मैं लक कर दूंगा, एक्सपेक्टेड था कि ये जीतेगा बट ड्रॉ हो गया, तो इधर रख देते क्वार्ट्ज कोटल को, इसके साथ हो गया है ड्रॉ, दोबारा नहीं करने वाला हूँ गाइस, बहुत पेनफुल हो जाता है इसको देखना। तो यस गाइस फैंटम ओरायन से करते हैं, और ये फैंटम ओरायन में हमारे पास बीडी नहीं है, ये है गाइस 145 ES, तो ये हैशब्रो वाला कॉम्बो लगाने की कोशिश की है मैंने टकरा टॉमी के बे में, क्योंकि मेरे पास बीडी नहीं थी। फिर भी गाइस ये कॉम्बो काफ़ी अच्छा चलता है, 2-2.5 मिनट आराम से चलता है, तो 2.5 मिनट के आसपास स्टेमिना है इसका। ये गया गाइस ईगल, तो चलो गाइस देखते हैं ईगल हरा पाएगा फैंटम ओरायन को, और फैंटम ओरायन के पास बीडी नहीं है तो कायदे से तो हरा देना चाहिए, बट गाइस फैंटम ओरायन को कम नहीं समझना चाहिए, कॉम्बो दूसरा है तो क्या हुआ। और गाइस फैंटम ओरायन को इतने हिट्स के बावजूद उसके स्पिन में कोई कमी नहीं आई है 1% की भी, क्या बात है। और ईगल धीमा होता हुआ, फैंटम ओरायन का भी स्पिन थोड़ा सा कम हुआ गाइस, देखते हैं क्या होता है। दोनों ही बेबलेट्स हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो गाइस फैंटम ओरायन ने भी हरा दिया है ईगल को, 3 लॉसेस हो गए ईगल के, और ठीक है काफी ज्यादा जीत गया ईगल, तो क्या ही बोले, एक ड्रॉ भी हो गया। फ्यूजन हेडीज से गाइस नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं फ्यूजन हेडीज को हरा पाएगा कि नहीं। ये गया गाइस ईगल, अब बारी है फ्यूजन हेडीज की,
तो चलो गाइस देखते हैं। और फ्यूजन एडीज थोड़ा सा अग्रेसिव मालूम पड़ रहा है स्टेडियम की वजह से गाइस। और दोनों ही थोड़ा थोड़ा स्लो हो रहे हैं गाइस। फ्यूजन एडीज अपने रबर से आई थिंक ईगल की स्पिन खींच रहा है और उसकी खुद की भी स्पिन जा रही है इस चक्कर में। देखते हैं पहले कौन रुकेगा। दोनों ही स्लो हुए हैं लेकिन फ्यूजन एडीज कुछ ज़्यादा स्लो मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे। और लगता है फ्यूजन एडीज गाइस रुकने वाला है और रुक गया। एक और विन गाइस ईगल के खाते में। क्या बात है, क्या बात है। लास्ट दो बैटल्स बची हैं स्काइथ क्रोनोस से, करते गाइस नेक्स्ट बैटल। देखते हैं स्काइथ क्रोनोस को हरा पाएगा ईगल या नहीं। ये क्या गाइस क्रोनोस, अब बारी है गाइस ईगल की। तो गाइस क्रोनोस का स्टैमिना बहुत गजब का है और क्रोनोस को वैसे यूजुअली लोग बैलेंस टाइप मानते हैं बट मैं बोलूँ तो स्टैमिना टाइप मान के चलो, क्योंकि ज़्यादातर गाइस क्रोनोस सबको टिप मिंट चाहिए होती है और मिंट टिप में ना क्रोनोस अटैक पोटेंशियल ज़ीरो होता है। क्रोनोस का कोई अटैक पोटेंशियल ही नहीं होता है। टिप वोन आउट होने के बाद क्रोनोस गाइस स्टैमिना और अटैक में स्विच करने लायक कंडीशन में आ पाता है और मेरा हैजब्रो वाला क्रोनोस ऐसा कर पाता है। टकर अटोमी वालों की टिप इतनी वोर आउट नहीं हुई कि ऐसा कर सके। कोई नहीं गाइस देखते क्या होता है इधर पे। और ईगल का स्पिन ड्रेन कर रहा है क्रोनोस। क्रोनोस का स्पिन ज़्यादा कुछ ड्रेन नहीं हो रहा गाइस यहाँ पे। और लग रहा है ईगल रुकने वाला है धीरे से। और गाइस एक और लॉस ईगल को, चार मैच हार चुका है ईगल, आखिरी बचा है गाइस, देखते हैं जीत पाएगा कि नहीं। तो यस गाइस ये स्पाइरल कैप्रिकॉन, ये थोड़ा नोटोरियस भी है, कुछ भी कर सकता है। तो देखते हैं आज ये क्या करेगा। तो देखते हैं गाइस ईगल को हरा पाएगा या नहीं। ये क्या गाइस ईगल, अब बारी है कैप्रिकॉन की। काफ़ी अच्छे अटैक्स। और गाइस जैसा कि मैंने बोला था इसने भी हरा दिया ईगल को, तो इसको भी इधर रखेंगे। तो गाइस अब मैं बताता हूँ ईगल कितने मैच जीता कितने मैच हारा। तो गाइस पांच बीमलेट से आप इधर देख सकते हो, इनसे तो हार गया, इस वाले से ड्रॉ हो गया, बाकी लोगों से जीत गया। तो मतलब ईगल 19 मैच जीता है 19 मैचेस और हारा है गाइस 4 मैचेस, 4 मैचेस का लॉस हुआ है और 1 मैच ड्रॉ हुआ है। तो यस गाइस मेरे हिसाब से ईगल ने काफी जबरदस्त परफॉर्म किया क्योंकि आज बेस भी काफी हैवी थे, नॉर्मल बेस नहीं थे, काफी सारे फ्यूरी वगैरह काफी सारे बेस हमने यूज किए थे। तो उस हिसाब से गाइस ईगल तो ओपी है। ईगल ओपन द चैट गाइस और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस स्टे सेफ और हैप्पी ब्लेडिंग।